मजा आ रहा है ना बाबा सुनने में, नहीं आती हो तो यश के ब्लॉग देख रहे हो ऐसा लगता है। ओहो इतना चाचू से प्यार। एंड वनोरे आज हो गए हैं फाइनल, अब नेक्स्ट अपने घर पे रखना है वनोरा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं है ना बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरी आईज़ है ना उनमें से क्या पता क्या हो रहा है, पूरी रात आंसू निकले हैं और पूरी रात दर्द हुई है कल रात को। तो फिर लास्ट में मैंने बर्फ की थोड़ी सी सिकाई करी, उससे हल्की हल्की स्वेलिंग कम हुई, बाकी ऐसी सी आईज़ हो गई थी। अभी भी आप देख सकते हो छोटी छोटी दिख रही होंगी एकदम आँखें। कोई बात नहीं, मम्मी कह रहे थे शायद आँखें आ गई ऐसा लग रहा है। अब क्या होता है इसका मतलब क्या होता है, मुझे तो कभी नहीं हुआ ऐसा पहले, इसलिए ध्यान नहीं है क्या होता है इसके अंदर। पर जल रही है और बहुत ज़्यादा घीट निकल रहा है साइड साइड में से और पानी भी निकल रहा है। चलो इसको रखते हैं साइड में और मैं अभी रूम में सारा ये मैसअप जो हो रखा है वो अवेयर देती हूँ। लैपटॉप बेड पर ही पड़ा हुआ है, इसको ध्यान से रख देती हूँ, नहीं तो हिम्मी आएगी ना तो मज़ा आ जाएगा उसको देख के, क्योंकि एक बार उसकी गोद में दे दिया इसलिए पता चल गया उसको अब मैं ले सकती हूँ इसलिए। आज तो हमको लंच के लिए बाहर जाना है, यानी आज जिमने का है, एक जगह पे तो खाना नहीं बना रही हूँ मैं अभी, तो टाइम बचा हुआ है मेरे पास तो मैं जाती हूँ शॉप पे। शॉप पे काम होगा तो कुछ वहाँ पे काम करूँगी, और घर पे तो अब खाना बनाना नहीं है तो कुछ काम नहीं है, तो टाइम से चली जाती हूँ। और हिम्मी के घर गई थी तो हिम्मी मेरे साथ आ गई, जाए शॉप पे, शॉप पे जाए तो चलते हैं। आप शॉप पर रेडी हो जाती हूँ फिर चलेंगे। ऐसे कौन करता है, आ जाओ घर तो इधर साइड है, इधर थोड़ी है। बेटा चाची को है, चाची को जाना, मेरे को जाना है, चलो साइड हो जाओ। यहाँ पे टीवी देखो क्या हाल है टीवी में। ए नो हमारा नहीं, एक जरा भी ऐसे नहीं करेगी, मार खाएगी। चलो चॉकलेट खानी है, आइसक्रीम खानी है, आ जाना आइसक्रीम दे दो। जाओ मम्मा दे दी आइसक्रीम, पका पको बस पको, मेरे को पको पकड़ लो। वो देखो मम्मा आइसक्रीम, सलोन में थी मैं, सलोन में तो फुल कस्टमर रहे, पर अभी मैं सलोन से थोड़ी फ्री होके जा रही हूँ खाना खाने के लिए, जहाँ पे आज हमारे जिमने का है। तो कैमरा घर पे रख के गोप्रो ले लूँगी, क्योंकि इतना बड़ा लेके जाऊँगी मुझे भी ऑकवर्ड लगेगा थोड़ा। तो 25 बाटी खाने के बाद इंसान दिखता है कुछ ऐसा पुराना, जो कि आपके सामने इंसान के रूप में ये पैसा 30 बाटी खा के रूप दिखता है ऐसा, 50 बाटी बाटी खा के रूप दिखता है ये 1.5 बाटी वाले। अरे और आप खुद इन्होंने जितना खाया उतना उनकी दाढ़ी को खिलाया है। हाँ भैया 21 बार जाओगे कि 51 बार देख रहा है अभी। ये खाटी साहब पी रही है अभी और ये मोरी साहब। हेलो फ्रेंड्स, बोल दो हाय। हेलो हाय 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 फ्रेंड्स। चिकू 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 को दिखा के आ जाओ, जाओ आ जाओ, मिट्टू को दिखाओ, चलो दिखाओ आ जाओ, चलो ब्लॉगिंग कर रही है देखो। मी तू चिकू का है, चिकू दिखाओ। हाँ मी तू, इसका क्या नाम है बता दो। नाम नाम क्या है इसका, तू तू नाम, तू वन तू टू तू तू टू। हाँ बाबा बाबा पीपी पीपी गई गई, लाओ कैमरे दे दो, हो गई वीडियो। हाँ बस बंद कर दो। खाना खा के हम आ गए हैं और वापस से जा रही हूँ शॉप पे, क्योंकि शॉप पे क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं इसलिए। यहीं रखते हैं, हाँ तो यहीं के। तो हम आ गए अभी स्टूडियो में, स्टूडियो में हम सेट करने के लिए आए माइक, क्योंकि माइक सेट होता नहीं है, सेट क्या ये वाला ही रखना है। तो ये वाला जो माइक है उसमें आवाज़ एकदम क्लियर और
क्रिस्टल क्लियर सुनाई देती है ना आपको, वैसे सुनाई देगी ट्यूटोरियल्स में भी। ट्यूटोरियल मेरे माइक्स जो होते हैं वो कभी डिस्चार्ज हो जाते हैं, कभी आवाज़ नहीं आती है, ये सब चीज़ें होती हैं। और मेरे को फिर उठना पड़ता है क्योंकि चीकू परमानेंट मेरे पास रह नहीं सकते हैं। तो ये यहाँ पर असेंबल हो रहा है, देखने में भी अच्छा दिख रहा है। बिना माइक के कैसी आवाज़ आ रही है देखो, और अब माइक लगेगा तो कैसी आएगी। और देखो माइक के बगैर मेरा कैमरा कितना भूसा भूसा दिखता है बेचारे की आईब्रो हटा दी वैसा दिख रहा है। और माइक आते हैं, मैं कितना सुंदर सुंदर लग रहा है। और अब आवाज़ भी आपको पता चली गई होगी कैसी आ रही है, मज़ा आ रहा है ना अब आवाज़ सुनने में। नहीं आती हो तो यश के ब्लॉग देख रहे हो ऐसा लगता है। सैलून पर आज फुल कस्टमर होने की वजह से मैं बिल्कुल भी आज फ्री नहीं थी। आज थोड़ी देर फ्री हुई तो फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी क्योंकि मेरी आईज बहुत ज़्यादा मुझे पेन हो रही थी। क्या कर रही है? मैं पकड़ू पहले ना थोड़ी है डर लग रहा है, ऊंची खड़ी है इसलिए। चलो एक मिनट यहाँ बैठ ओहो इतना चाचू से प्यार। काकड़ी कितनी हो गई, डर लग रहा है इसको ऐसे इसलिए शायद। अभी है ना चिकू गए थे हिंदी को रखने के लिए तो मेरे पास आने रो रही है, अंदर चाची चाची चिल्ला रही है। यहाँ के देखेगी देखना एक पाको तो मैंने पहले चप्पल ये ठीक है आज लो लेते मिले बिगल, क्यों लोते हो आपको याद आती है मिली। हाँ ये क्या, ये क्या केमे केमे क्या केमे 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 है फेंका तो कुल्ला ये कू सदी है। पर्स रख दो, पर्स रख दो, तू पर्स कहाँ लगो अंदर लगो, कहाँ से चाटी जाली इससे इधर से क्यों चाट रहे थे, गाल जाली थोड़ी चाटते नहीं चाटते, गंदी हो जाती है जीभ। हाँ छाप लो, आग लो मुखोलो ऐसे छाप लो, जीभ छाप करनी है, टंग छाप करनी है टंग निकालो बाहर। हाँ अब चाटोगे नहीं ठीक है। ओहो छोटा केमे दिख गया।
वीकेंड में ब्लॉक कर दो चलो ठीक है हो गया चलो। हेलो फ्रेंड्स बोल दो हेलो हाय हाय फ्रेंड्स चिकू को दिखा के आ जाओ जाओ आ जाओ मिट्टू को दिखाओ चलो दिखाओ आ जाओ चलो चलो मैं हो चुकी हूँ रेडी घर पे आने के बाद हिमायरा को तो इसकी मम्मी आई थी ले गई और खाना बन गया है पर मैं रेडी क्यों हुई हूँ मैं बताती हूँ आज भी हमारा शाम को डिनर है यश के मामा जी के वहाँ पे तो हम जा रहे हैं वनोरा खाने के लिए यश और दोनों पहले प्लान नहीं था इसलिए मैंने आपको बताया भी नहीं पर वो लोग मान ही नहीं रहे आना ही पड़ेगा यूँ करें तो फिर जाना ज़रूरी है क्योंकि इतना फोर्स करने के बाद भी ना जाओ तो अच्छा नहीं लगता है तो मम्मी पापा के लिए तो खाना बन गया है रोटी मैंने बना दी मम्मी ने बोला सब्जी मैं बना दूँगी तो बना रहे हैं अभी तो मैं और चिकू निकलते हैं अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ चिकू गाड़ी में मेरा वेट कर रहे हैं चिकू वो खड़े हैं कार में तो दोनों जने रेडी हो गए अब निकल रहे हैं खैरवाड़ा के लिए वहाँ पर जाकर भाभी भैया सब मिलेंगे आज तो दिन में दो दो बार मिलना हो गया हम आ चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पर यश हमारा वेट कर रहा है अरे ओ पावन तो गलत आ गई हरदी है क्या लच्छू हमारे हाथ में लाइट आ गई हरदी है भैया मजा में जग भी तो यहाँ पर मम्मी और भाभी दोनों जने भुक्कड़ की तरह बैठ गए और मैं भी इधर बैठी हूँ अभी हमको खाना परोसेंगे तो हम पंगत में बैठ गए मेरे को इन्होंने इनकी समाज से बाहर निकाल दिया और मेरे को साइड में बैठा है देख रहे हो सास बहू का प्यार बेटी को गाट ही नहीं रहे तुम्हें सीटी में भी यहाँ मैं यूँ कह रही थी मम्मी तो जोरदार वाली सो गई भाभी एक दिन में मोटी हो गई आपको दिख रही होगी आज भाभी कैसी आधी बाटी और वैदिक ने कितनी खाई थी 40 बाटी तो हमारा डिनर हो गया है इन्होंने खाई थी 500 बाटी यस पूरे एक बाटी वहाँ लोग कोई बचे ही नहीं थे खाना खाने के लिए सिर्फ मैं ही थी और अच्छा हुआ मैं लास्ट में गई अगर पहले जाती तो भोग लगाने के लिए भी नहीं रहता क्योंकि मेरे को 500 दो बाटियाँ हो जाती देख सकते हो इनकी हेल्थ भी इस हिसाब से 500 बाटी और ध्वनि आज कितनी रोटी बनाई आज मैंने कितनी बनाई होगी 20 से 30 वनोरे वाला रिचुअल चालू हो गया वहाँ तिलक घोरा रहा है कंकू गोरा रहा है देखो इस औरत कितना बेसब्री से इंतजार है मेरे को जो भी लाए वो तुरंत दे ये ऐसे सोच रहे मेरे को नहीं दे रहे ऐसा ही फील हो रहा है इनको शादी करनी पड़ती है और वो भी नए नए रहने पड़ते हैं वनोरे के कपड़े लेके धरा गई है भाभी और दो तीन चेले पकड़ लिया पकड़ लो मेरे से नहीं पकड़ा जाता मैं नहीं पकड़ा और टाइम अभी देखो फिक्स यार 11 बज गई है घड़ी भी सो रही है 11 बज गई है और अब हम निकलते हैं हमारे घर के लिए आपके साथ में ही हूँ
पापा और यश की गाड़ी पीछे आ रही है अभी, जैसे कि आपने देखा क्रॉस होते हुए। पापा यानी बहुत ज़्यादा हम लोगों को लेके इतने यानी सिक्योर हो जाते हैं कि तुम आगे चलो मैं पीछे चलता हूँ, उनको विश्वास ही नहीं आता। भले हम कितने भी बड़े हो गए, बच्चे ही हो अभी तो ही। अभी हम ऋषभ देव के लिए निकल रहे हैं, पापा और ये लोग भी ऋषभ देव होके ही निकलेंगे, क्योंकि कल्याणपुर से खेरवाड़ा से कल्याणपुर का जो डायरेक्ट रास्ता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इधर से होके जाएंगे थोड़ा ये थोड़ा हाईवे मिल जाएगा। कल्याणपुर और केशा जी का रास्ता वो थोड़ा बहुत ख़राब है, ज़्यादा ख़राब नहीं है, तो उनको जाना ईजी हो जाएगा। तो अभी से इधर ऋषभ देव पहुँच के पापा और ये लोग निकलेंगे, हम ऋषभ देव रुकेंगे हमारे घर। वापिस इतना लबड़ा क्यों रहा है, गाड़ी में बैठा है, गाड़ी में बैठा लबड़ा क्यों रहा है इतना वापिस? हाँ आती रात मोहन वो सब आता हम मोहन प्लान सेट कर कर दूँ चाहिए वो कर हो ज़्यादा तो इनका छोड़ रहा है सब साले का। हाँ हाँ भाई आ गए हैं, शांति रखो। ये हमारे हीरो गाड़ी लेके आ गए हैं, गेट भी मैंने लॉक कर दिया है, यहीं पर कर देती हूँ मैं ब्लॉक का एंड। वनोरा आज हो गए हैं फाइनल, अब नेक्स्ट अपने घर पे रखना है वनोरा, पर कब रखे थोड़ा प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि विक्कू भी अब कुछ दिनों में जाने वाला है भाई, पर जाने से पहले तो प्लान करना ही पड़ेगा। तो बस कुछ दिनों में प्लान करते हैं और सबको इन्वाइट करते हैं, और यहीं पर कर देती हूँ मैं ब्लॉग का एंड। अगर आज का ब्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। ओके बाय।